आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको आज का दिन अत्यंत शुभ जाए और आप सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप अपने ध्यान मेडिटेशन कार्यों को सजग होकर करें, ऐसी ईश्वर चरण में मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ। आज 19 जून 2024 चंद्रमा तुला राशि में सुबह 11:04 तक, उसके बाद वृश्चिक राशि में नक्षत्र है विशाखा शाम 5:22 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रदोष है आज मासिक प्रदोष, शिव जी का वो व्रत जो बच्चों की भलाई के लिए किया जाता है, और वट सावित्री का व्रत भी आरंभ हो गया। वैसे तो वट पूर्णिमा जो है वो 21 तारीख को है, लेकिन कुछ लोग आज से ही उसका पारायण करना शुरू कर देंगे। सुप्रभात। आइए थोड़ी ही देर में हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ आज के ग्रह नक्षत्रों का। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य, बुध और शुक्र जो तीनों ही मेष से लेके मीन राशि में हैं, उनका क्या अच्छा असर आ रहा है ओवरऑल। मेष राशि के लिए तृतीय भाव में आए हुए सूर्य, बुध, शुक्र बड़ा बड़ा काम बनाएंगे, आपको लोन्स दिलवाएंगे, धन खुलेगा, विवाहित जीवन से सपोर्ट मिलेगा और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको सपोर्ट मिलेगा। वृषभ राशि, आपके लग्नेश आपके लिए बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे धन से रिलेटेड। यही नहीं, आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, बोलचाल की भाषा से बुद्धि चातुर्य से काम होंगे, परिवार बच्चे मिलके काम करेंगे और अचानक से प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग। मिथुन राशि, आपके लिए कई सारे काम कराने के लिए आए बुध, शुक्र और सूर्य, अब आप देखिए कि कुछ काम आपके ऐसे बन जाएंगे जो आप चाहते थे, बच्चों से रिलेटेड हो, अपने से रिलेटेड हो, मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी और घर में प्रॉपर्टी और वाहन भी आ सकता है, यात्राएं भी बड़ी शुभ हो सकती हैं। कर्क राशि, आपके लिए आपके बोलचाल की भाषा बड़ी प्रभावी होगी, विदेश रिलेटेड खर्चे तो होंगे लेकिन पैसा आएगा तो खर्च होंगे ना तो धन आएगा, पराक्रम उत्साह बढ़ेगा और घर में सुखों की रेलचेल होगी। सिंह राशि, पैसा धन की प्राप्ति मुख्यतः होगी कि इससे विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, इन सब से निजात मिलेगी, कामकाज बढ़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कन्या राशि, प्रेम संबंधों से सपोर्ट, आपके भाग्य भाव के स्वामी आ गए दशम में, कुछ बड़े बड़े काम आपके नसीब से बनेंगे जिनसे पैसा आएगा आगे चलकर और संचित होगा, यही नहीं आपको कई सारे फायदे, सो से रिलेटेड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुला राशि, आपके लिए अब ऐसे कई काम जो सो से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड हैं बनेंगे, वहीं पर आपके बड़ा धन आने की संभावना है, वहीं पर आपके नए नए काम कार्यान्वित होने की संभावना है और तबीयत अच्छी होगी। वृश्चिक राशि, आपके लिए देखिए विवाहित जीवन के सपोर्ट से और साथ साथ आपके व्यावसायिक जीवन के सपोर्ट से नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अध्यात्म में तो रुचि रहेगी और एक तरफ लस्ट भी रहेगा, धन आने की पूर्ण सूचनाएं और कामकाज में वृद्धि रहेगी। धनु राशि, आपके लिए कई सारे कामकाज बनाएंगे आपके मिथुन राशि में आए हुए बुध, व्यवसाय को बढ़ाएंगे, शादी के परम योग बनेंगे, आपके कई सारे काम बनाएंगे सूर्य जो बड़े बड़े कार्य आपके भाग्य से रिलेटेड करेंगे और साथ साथ धन आने की संपूर्ण संभावनाएं भी बनेंगी। मकर राशि, आपके लिए कई सारे काम बनाने के लिए बुध आ गए, अब नौकरी से रिलेटेड काम बनाएंगे, लोन्स आपके मिल सकते हैं, नए नए कार्य आप ऑफर स्वीकार कर सकते हैं, बच्चों से सपोर्ट, बच्चों से धन का सपोर्ट और साथ साथ आपको कार्य बढ़ने की पूर्ण संभावना है। कुंभ राशि,
आपके लिए अब ऐसे कई काम जो आपके बुद्धि चातुर्य से बनने वाले थे। तबीयत अगर खराब है तो भी आप उसको बेहतर सीख पाएंगे कि कैसे करना है तबीयत को संभालते हुए। हालांकि काम बढ़ने वाला है खूब सारा और एंजॉयमेंट भी मिलेगी आपको और साथ साथ विवाहित जीवन का सपोर्ट भी। मीन राशि, आपके लिए अब ये लग्न में बैठा हुआ राहु कुटिलता ना दे, इसका ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुटिल पने से आप अपना ही नुकसान करेंगे और साथ साथ आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी विवाहित जीवन के संबंधों से आपकी बिगड़ सकते हैं। जबकि आपको अपने परिवार में अपने माता से संपूर्ण सपोर्ट मिलेगा, सुखों की रेल चेल होगी, वाहन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। सूर्य शुक्र बुध, इसमें बुध दोनों का मित्र है, सूर्य का भी और शुक्र का भी, और शुक्र और सूर्य आपस में दुश्मन है। तो ऐसे में जो शुक्र जिनके लिए कारक हैं वो सूर्य को जलना चढ़ाएं इन दिनों, और जिनके लिए सूर्य कारक है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को संयत रखें, बेचैन ना हो, किसी प्रकार की हड्डियों से दर्द है या कोई अन्य प्रकार की कैल्शियम डिथरी की संभावनाएं हैं तो उससे बचें। अदरवाइज महालक्ष्मी योग बना हुआ है, अदरवाइज बुधादित्य योग बना हुआ है सूर्य बुध शुक्र का, और ये एनहांस करने के लिए आपको महालक्ष्मी की आराधना करनी है। ये एनहांस करने के लिए लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी है जो कि परम सत्य है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।